आप बड़े ही मुबारक हो, खुदावंद के प्यारे हो, खुदावंद के बेटे और उसकी बेटियां हो, और खुदावंद आपको प्यार करता है और आप पर खुश है, इसलिए आप उसकी हजूरी में बैठे हुए हो, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है, आपको संभालता है और हमेशा आपके साथ है, बल्कि दुनिया के आखिर तक वो आपके साथ है। हालेलुया। अक्सर हर संडे को मैं कहता हूँ, आज भी आपको याद दिलाता हूँ कि मेरे पीछे बोलें, ताकि आप अपनी जुबान से इकरार करें, है ना। ईमान तो दिल से लाना होता है, बाइबल में लिखा है ना, लेकिन इकरार जुबान से किया जाता है। किसी तरह का भी इकरार हो तो हम इकरार करेंगे, अपनी जुबान से मेरे पीछे बोलें, ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे फर्जंद हैं, तेरे बेटे और बेटियां हैं, और हम तेरी निगाह में बहुत कीमती हैं। तू हमारी कदर करता है, तू हमें प्यार करता है, तू हमारी फिक्र करता है, तू हमें संभालता है, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के मुबारक नाम में। आमीन। अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जिसके वसीला से हम खुदा के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हम खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे और पढ़ेंगे। निकाले मेरे साथ यशाया नबी की किताबे मुकद्दस, उसका 49वां बाब, 15वीं और 16वीं दोनों आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, क्या ये मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हां, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और तेरी शहरपनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। पिछले दिनों हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा, और हमने मौजू रखा याद रखने के लिए, यू आर वेरी प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। खुदा की निगाह में उसके लोग, चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग नहायत कीमती हैं, और खुदा अपने लोगों को कदर की निगाह से देखता है। और हमने गौर किया कि क्यों हम कीमती हैं। हमने सीखा कि किसी की कीमत लगानी हो तो इस बात से लगाई जाती है कि फलां चीज की क्या कीमत है। तो बाइबल मुकद्दस में से हमने सीखा कि बाइबल में लिखा है कि हमारी खलासी
फानी चीजों यानी सोने और चांदी से नहीं हुई, बल्कि किससे हुई है? खुदावंद यीशु मसीह के बेश कीमत, इतना कीमती खुदावंद यीशु मसीह का लहू, उससे हम खरीदे गए हैं, उससे खलासी हुई है। तो इसका मतलब है कि फिर हम कितने ज्यादा कीमती और प्रेशियस हैं उसकी निगाह में। कभी आपने ये अंदाजा लगाया? हमने गौर किया और सीखा। आज हम एक और बात सीखेंगे, और भी बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे और हम खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारी वैल्यू है, हमारी कदर है, हम कीमती हैं, हम कोई ना चीज हकीर नहीं है। जैसे जैसे हम गौर करें, कभी कभी हम गौर नहीं करते अपने आप पर, कभी कभी हम अपनी हैसियत जो खुदा ने बनाई है रूहानी तौर पर हमें बना करके भी, उस पर गौर नहीं करते और बड़े अपने आप को, मैंने सिखाया पहले भी, बड़ा माड़ा, यतीम, गरीब, मस्कीन, हकीर। और मैंने पहले भी बताया कि हमारी फिर दुआ में भी वही चीज़ होती है, हमारे एटीट्यूड में भी वही चीज़ होती है, हमारी परस्तश में भी वही चीज़ होती है, हमारी दुआओं में भी वही चीज़ होती है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। एक बात और सीखते हैं, आप जान जाएंगे, आप झूम जाएंगे इस बात से भी, खुदा ने कहा कि क्या कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? और फिर लिखा हां, फिर लिखा हां। इस हां के बारे भी हम गौर करेंगे, कैसे छोड़ती है। आगे जाके कहता है हां, क्योंकि खुदा का कलाम तो सच्चा है। हां, वो छोड़ जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपने हाथ की हथेलियों पर खोद रखी है। कितने आप वैल्यूएबल हैं, गौर किया कि आपकी सूरत, आपकी तस्वीर, आपकी शक्ल खुदा ने अपने हाथों की हथेलियों पर खोद रखी है। कभी इस बात पर आपने गौर किया? किसी से कितना भी प्यार क्यों ना हो, कितना भी आपको अजीज क्यों ना हो, बेटे बेटियां और जो रिश्ते हैं, कितने भी आप को कीमती क्यों ना हो, कभी किसी इंसान ने अपने हाथ की हथेली पर खोदना तो दरकिनार, कभी हाथ पर देखी है तस्वीर किसी की? देखिए, आपको कितने ही कीमती क्यों ना हो वो अशखास, वो रिश्ते, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, बड़ा क्या करेंगे आप, एक खूबसूरत फ्रेम में तस्वीर लगा देंगे, यही होगा। बड़ा प्यार होगा, क्या करेंगे आप अपनी किताब पर, किताब में क्या करेंगे, तस्वीर रख लेंगे, यही करेंगे, है ना? और कहीं तस्वीर बना लेंगे। लेकिन आप कभी गौर, आप गौर करें, खुदा ने आपकी तस्वीर जो है हाथ की हथेलियों पर खोद रखी है। आप कितने कीमती हैं, कितने खुदा के करीब हैं, खुदा की निगाह में कितने वैल्यूएबल हैं। खुदा ने खोद करके टैटूज की तरह
आपकी तस्वीर तस्वीर में जाए, इमेजिन नहीं आप कर सकते क्या अपने हाथों की हथेलियों पर खोद कर, जिस तरह टैटूज बनाते हैं खोद करके, और उस तरह खुदा ने आपको रखा हुआ है। अब बड़ा प्यार हो, स्कूल में बच्चे भी जाते हैं तो टैटूज बना देते हैं यहाँ चेहरे पर, है ना, इनकर्ज करने के लिए या मुख्तलिफ तरीके से इजहार करने के लिए, है ना। लेकिन कभी किसी ने हाथ की हथेली पर टैटूज बनाया है? क्योंकि मोहब्बत के इजहार के लिए भी होते हैं, कई लोगों ने यहाँ बनाया होते हैं, है ना, बाजू पर लिख देते हैं। कभी हाथ की हथेली पर देखा किसी का टैटू? तस्वीर देखी है कोई या नाम? नो, कभी गौर किया आपने? क्यों खुदा ने हाथ की हथेली पर आपको रखा है और बनाया है? इसलिए गौर करें ताकि खुदावंद आपको हर वक्त देखता रहे। कितना भी किसी से प्यार हो, और जिस तरह मैंने कहा जिस्म के हिस्सों पर आप नाम लिख लें, लेकिन वो कपड़ों में छुप जाता है कि नहीं, है ना, कभी कभी ये बाजू ऊपर करें तो टैटूज नजर आता है, नाम नजर आता है, या कोई तस्वीर हो वो भी नजर आती है। लेकिन खुदा ने हाथ पर आपका टैटूज, आपकी तस्वीर, आपका नाम, आपकी शक्ल बनाई है कि हर वक्त खुदा आपको देखता रहे। खुदा आपको हर वक्त देखता है, उसकी निगाह आप पर 24 घंटे लगी रहती है। आप सो भी जाएं तो वो देखता रहता है। आप चलते हैं, फिरते हैं, तारीकी में हैं, रोशनी में हैं, सफर में हैं, काम पर हैं, किसी भी जगह पर आप घूमते हैं, खुदा की निगाह आपको 24 घंटे देखती रहती है। इसलिए उसने हाथ पर टैटूज आपका बनाया हुआ है हर वक्त। आसानी है, और वो आपको हर वक्त देखता रहता है 24 घंटे उसकी निगाहें। इसलिए मैं कहता भी होता हूं आपको दकिया नूसी से निकालने के लिए कि जब खुदा की निगाह ही आप पर है, खुदा ही आपको देखता है, तो आपको फिर दूसरे की नजर कैसे लग सकती है? खुदा की नजर ही हम पर हो तो किसी दूसरे की नजर फिर हमें लग सकती है? गौर करें, हम कैसे हम नजर लग गई? खुदा आपको 24 घंटे अपने हाथों की हथेलियों पर टैटूज बना के देखता है और खुश होता है, और आपकी हिफाजत करता है, और आपकी फिक्र करता है, और 24 घंटे आपको देखता रहता है। और कोई शख्स आपको 24 घंटे देख सकता है? नो, कोई आपको 24 घंटे नहीं देख सकता, कितना भी प्यार हो, कहां भी टैटूज ने वो बनाया हो, 24 घंटे आप देख सकते हैं? नो। और ना आपकी कदर देखें, किसी ने आता है टैटूज या तस्वीर हाथ पर हथेली पर, आपने देखी नहीं होगी, देखेंगे भी नहीं। सिर्फ खुदा है जिसने अपने हाथ पर
आपकी तस्वीर बना के रखी हुई है। हालेलुया। हमने गौर किया कि आप कितने कीमती हो, कितने वैल्यूएबल हो, है? आपकी तस्वीर खुदा की थैली पर है, और किसी जगह पर तस्वीर हो ना हो कोई बात नहीं, ग्रुप किसी में तस्वीर हो ना हो कोई बात नहीं, फिर भी आप ज्यादा वैल्यूएबल और प्रेशियस हैं। किसी बड़े शख्स के साथ तस्वीर हो ना हो, फिर भी आप प्रेशियस हैं और वैल्यूएबल हैं। जिस तरह मैंने कहा, कभी कभी वैल्यू बनाने के लिए इंसान कमजोर है, बड़े बड़े नाम वाले इंसानों के साथ तस्वीर बनाने की क्या करता है, है ना, कोशिश करता है, चाहे वो जानता भी ना हो, ऐवें भज के दौड़ के पीछे पै के ऐसा एक तस्वीर बना दो, या दूर से सेल्फी, वो बंदा नहीं उन्होंने जान रहा, ऐसा दूर तो सेल्फी आई तो जाके फिर दसना है, देखे बड़ी दूर एक फरलांग तो तस्वीर फलाने नाल मैं बनाई है। लेकिन बंदा पूछे भी उसे जानता है, कहेगा नो 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 नो। लेकिन आप अपनी वैल्यू जाने, कितने कीमती हैं कि खुदा ने अपने हाथ पर आपकी तस्वीर बनाई है, ताकि हर वक्त वो आपको देखता रहे। हर वक्त इसका मतलब आपकी फिक्र करता है, हर वक्त इसका मतलब ये है आपको संभालता है, हर वक्त इसका मतलब ये है आपकी हिफाजत करता है, हर वक्त इसका मतलब ये है आपको याद रखता है, हर वक्त आप उसके सामने रहते हैं। कोई रिश्ता है जो 24 घंटे आपको देखे? नो 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 नो, खुदा देखता है। फिर दूसरी बात हम क्या इसमें से सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदा जो है वो देखता है, अपने हाथों पर तस्वीर रखता है और शर्माता नहीं है। कई लोगों ने कोई टैटूज बनाए होते हैं, लिख लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन शर्माते हैं, है ना, है कि नहीं, छुपा के रखा होता है कि नहीं, ये मैं सही कह रहा हूं, खुफिया खुफिया टैटूज लेकिन खुदा, हालेलुया, आप झूम जाएंगे इन बातों को सुन करके, खुदा आपसे शर्माता नहीं। हालेलुया। वो शर्माता नहीं, वो ऐलान करता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फर्जंद है, मैंने इसके लिए जान दी है, ये मेरा है और मैं इसका हूं। और वो शर्माया नहीं, उसने स्लीप पर कफारा भी दिया, उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, जान देते हुए उसको तजलील भी किया गया, लेकिन वो शर्माया नहीं। और बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह हमें भाई कहने से शर्माता नहीं, इसलिए उसके लोग भी शर्माते नहीं हैं। हालेलुया। वो भी उसका ऐलान करते हैं, वो भी उसकी इबादत करते हैं, वो भी उसकी प्रस्तुति करते हैं, वो भी उसकी गवाही देते हैं, और वो भी इकरार करते हैं कि हमारा खुदामंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। और फिर हम इससे क्या सीखते हैं, उसने हमारी तस्वीर अपने हाथों की हथेली पर खोद रखी है, बनाई नहीं, गौर करें, कलर नहीं किया, नो 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 नो, खोद रखी है। कलर तो थोड़ी देर के बाद उतर जाता है, बहने मेहंदी से भी अपने प्यारों का, बच्चों का,
बीवी शहर का नाम लिखते हैं कि नहीं? प्यार का इजहार है, लिखना चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन थोड़े ही दिनों में वो मेहंदी का रंग फीका पड़ जाता है और वो नाम मिट जाता है। गौर करें, लेकिन खुदा खोद के अपने हाथों की हथेली पर आपकी तस्वीर बनाता है ताकि रंग फीका ना पड़ जाए, रिश्तों का रंग फीका ना पड़ जाए। जो रिश्ता उसने बनाया है वो कायम रहे। हमारे यहाँ तो हौलनाक बातें होती हैं शादी में, जिनकी शादी होती है मैं उनकी बात करता हूँ। गाढ़ा रंग कह देने, कितना गूढ़ा रंग चढ़िया, दिखाओ जरा कितना गूढ़ा रंग। फिर बढ़िया बढ़िया स्कीमा दा देने, गूढ़ा रंग करन ली आ चीज पाओ आ चीज पाओ। ओए उधरों ये रंग भी नहीं उतरदा ते गूढ़े रिश्ते जड़े ने उन्हों का रंग उतरना शुरू हो जाता है। फिर मुहावरे बने हुए हैं, सादगी से समझाता हूँ। कहते ने ये ते मेहंदी का रंग ही नहीं उतरिया है, ये ते हाथ भी पीले पीले ने, इन्हों हो की गया, ये ते बड़े खुश सन, तोल टमके लुडियां शोर शराबे फायर वर्कस दस दस टोल पैसे गूढ़ा रंग। लेकिन रिश्तों का रंग जो है वो जल्द ही उतर जाता है, क्योंकि तस्वीर जो बनाई है रिश्तों की वो खोद कर नहीं बनाई, गहरी नहीं है, जड़ें नहीं हैं, तो रंग उतर जाता है। लेकिन खुदा ने हमारी तस्वीर अपने हाथ की हथेली पर खोद कर बनाई है, हालेलुया। और उस तस्वीर में खुदावन यीशु मसीह के लहू का रंग भर दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है, जिसे शैतान भी मिटा नहीं सकता है, क्योंकि शैतान तो यीशु मसीह के लहू से दूर भागता है। शैतान भी उसको मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता है। याद रखें, खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के रंग से हमारी तस्वीर खोद के बनाई और यीशु के लहू का रंग हमारी तस्वीर में है। आप कितने कीमती हो, कभी गौर किया है? शैतान भी उसको मिटा नहीं सकता। जो रिश्ता खुदा ने हमारे साथ बनाया है, यहां तक कलाम में मैंने अभी पढ़ा है कि मां शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा। इसलिए जाने कि आप कितने कीमती हो, कितने वैल्यूएबल हो, कितने ही खुदा की निगाह में आप प्यारे हो, उसके कितने आप करीब हो। ये याद रखें कि यीशु मसीह के लहू से हम रंगे गए हैं और यीशु मसीह के लहू में कुवत है, कुदरत है, शिफा है, और शैतान और उसकी कुवतें और उसकी ताकतें, उनकी क्या मजाल है कि यीशु मसीह के लहू के करीब भी आ जाएं, भागती हैं। मिस्र में मैंने एक दफ़ा बताया आपको,
आपने पढ़ा हजारों दफा कि जब बरे एक जानवर का बरे का लहू चौखटों पर लगाया गया तो वहाँ से खुदा गुजरता है और उस घर में ना मातम ना मौत आती है कि नहीं। खुदा देखता है लहू को, हालांकि वो जानवर का लहू, तो यहाँ जानवर का लहू नहीं, खुदा के इकलौते बेटे का लहू है। हालेलुया। जब वो हम पर देखता है तो हम उसके लहू से रंगे होते हैं। हालेलुया। सारी आजमाइश मुसीबत और मौत जो है वो भाग जाती है और गुजर जाती है। कितने आप कीमती हैं, आपने अंदाजा लगाया? हम और भी सीखेंगे आइंदा इबादत में कि आप जाने आप कितने प्रेशियस हैं खुदा की निगाह में। कभी कभी हम अपनी वैल्यू खुद नहीं जानते हैं, हम जानते नहीं कि हम कितने कीमती हैं, हम जानते नहीं हम खुदा के कितने प्यारे और लाडले हैं खुदा के हैं? अबने रहते हैं हम यतीम गरीब मस्कीन, ओए मर गए लुट गए, खाक राख हकीर मस्कीन ना। आप वैल्यूएबल हो, खुदा ने आपको अपने हाथ की हथेली पर खोद रखा है, ये याद रखें। और फिर हम इससे और क्या सीखते हैं, हाथ की हथेली पर के खुदा की हम मलकियत है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपने हाथों से क्या किया है, बनाया है। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, हाथों से, जिस तरह कुम्हार मिट्टी को पहले गूंथता है ना, अपने हाथों से, फिर उसे खूबसूरत बर्तन बना देता है। खुदावन के हाथों ने आपको बनाया है और हाथ पर ही रखा है। हाथों ने बनाया और हाथ पर ही रखा है, इसलिए आप इतने कीमती हैं। क्या मिसाल देता हूं आपको कि आप की जो शख्सियत है, रूह है, बदन है, उस पर खुदा के हाथों के फिंगर प्रिंट्स हैं। पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं और हर एक की शनाख्त के लिए एक चीज डिफरेंट होती है और वो क्या है, फिंगर प्रिंट्स। पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन लोग आप जाते हैं बाहर के ममालिक में भी जाएं या किसी की खास किसी तरह से शनाख्त करनी हो तो वो क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंट्स। वो किसी से मैच नहीं करते, उसकी शनाख्त फिंगर प्रिंट्स से होती है। हमारी शनाख्त क्या है, खुदा के हाथों ने हमें बनाया और हाथों पे रखा और हम पर खुदा के फिंगर प्रिंट्स मौजूद हैं। हालेलुया। इसलिए हम खुदा की मलकियत हैं, इसलिए आप नहायत कीमती हैं कि खुदा के फिंगर प्रिंट्स आप पर हैं और आप खुदा की मलकियत हैं और आप यीशु मसीह की शनाख्त हैं और आप खुदावन के नाम से कहलाते और पहचाने जाते हैं और हमारी पहचान खुदावन यीशु मसीह है जिसने अपना खून बहाया और हमें खरीद लिया है। इसलिए लिखा है कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से खुदा का क्या जाहिर करो।
आपकी शिनाख्त क्या है कि आप खुदावंद के हैं, खुदावंद के बेटे, और उसकी क्या है, खुदा के हाथ के जो प्रिंट्स हैं, फिंगर प्रिंट्स हैं, वो आप पर हैं। इसलिए शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप खुदा की मलकियत है। हालेलुया। आप महसूस करें, यकीन करें, ईमान लाएं कि खुदावंद ही हमारा मालिक है, हम खुदा की मलकियत हैं, उसने खून बहा के हमको खरीदा है, उसने अपने हाथों से बनाया भी है और अपने हाथों पर रखा भी है, और ऐसी तस्वीर बनाई है, खोद करके तस्वीर बनाई है, जिसमें यीशु मसीह के लहू का रंग भर दिया हुआ है, और वो ता अबद रहेगा, मिट नहीं सकेगा, और कोई उसे मिटा भी नहीं सकेगा। बहुत आप प्रेशियस हैं, सिर्फ जाने। और यहाँ पर यशायाह में मैंने पढ़ा कि आप इतने कीमती हो, खुदा की इतनी आपकी तरफ तवज्जो है, निगाह है, कि खुदा ने कहा कि अगर माँ शीरखार बच्चों को भूल जाए, पहले सवाल किया, क्या माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, खुदा ने पहले सवाल किया, तो फिर साथ ही कहा हाँ, क्योंकि खुदा को पता था क्या होना है, या इंसान ये क्या करेगा, वो तो दिलों ख्यालों को जानता है। उन्होंने कहा हाँ, भूल सकती है। तो आज इस दुनिया में बहुत सारी माएं और बाप अपने शीरखार बच्चों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पूरे वेस्टर्न कंट्री में देखें, हमारे मुल्क में भी है, बल्कि पूरी दुनिया में कह सकता हूँ कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सेपरेशन, तलाक, दूरियाँ, और बच्चे बीच में, माँ भी छोड़ सकती है, बाप भी छोड़ सकता है। ये खुदा के कलाम में जितना कहता हूँ सच्चा है। क्या माँ शीरखार बच्चे को भूल सकती है? हम कहेंगे नहीं। फिर खुदा ने कहा हाँ, हाँ, वो भूल जाए तो भूल जाए। आज ऐसे दुनिया में जाएं, दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप भूल चुके हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके लिए दुआएं की गई हूं, जिनके लिए मुरादें खुदा के सामने रखी गई हूं, जिनके लिए जश्न मनाया गया हो, जिनके लिए लड्डू बांटे गए हों, जिनके लिए खुशियां मनाई गई हों, जिनके लिए मन्नत मानी गई हों, जाओ इस दुनिया में देखो, करोड़ों बच्चे हैं, बाप भूल गया, माँ भूल गई। इसलिए खुदा कहता है हाँ, वो भूल जाए तो भूल जाए। अल एकदम लगता है ना, शीरखार बच्चों को छोड़ के अपने झगड़ों, लड़ाइयों में, अपने अना में बच्चों को छोड़ के अपनी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ है इस दुनिया में है। लेकिन खुदा ने दलील दे के कहा हाँ, वो छोड़ सकते हैं, हाँ माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तो तेरी सूरत
मौत की हथेली पर खोद रखी है। कोई किताब में तस्वीर नहीं रखी कि गुम हो जाए, किसी टैची केस में नहीं रखी बिल्कुल ही खराब हो जाए, कटो तो बिल्कुल फ्रेम में भी लगा दो तो खराब हो जाती है कि नहीं। खुदा ने ऐसी जगह पे आपको रखा, हालेलुया, हाथ की हथेली पर रखा। आपको यकीन है आपकी तस्वीर कहाँ है? कहाँ है आपकी तस्वीर? किसके हाथ की हथेली पर? हाथ भी कवि है, हैं? ना कोई तस्वीर को छीन सकता है, ना तस्वीर को कोई मिटा सकता है, और ना तस्वीर को कोई नुकसान पहुंच सकता है, ना तस्वीर खत्म हो सकती है, और ना तस्वीर का रंग फीका पड़ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से वो रंग भरे गए हैं। इसलिए जाने कि आप कितने कीमती हो, खुदा के हाथों पर हो, खुदा आपको हर वक्त देखता रहता है, फिर आप खुदा के हाथों में हो और खुदा का हाथ कवि हाथ है। हालेलुया, खुदावंद का हाथ जोरावर हाथ है। खुदावंद के हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकता। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो भेड़े मेरी हैं मुझसे कुछ छीन सकता है? नो 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 नो, कोई कुवत खुदा से आपको जुदा नहीं कर सकती, उसके प्यार से आपको जुदा नहीं कर सकती। इसलिए जब ये ईमानदार इस बात को तस्लीम कर लेता है, हाँ मैं बहुत कीमती हूँ, वो खुदा के हाथों में हूँ, आप खुदा के हाथों में हो, तो फिर पालूस की तरह हर ईमानदार कहने के लिए दलेर हो जाता है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, कौन जुदा करेगा? किसी की जरूरत है चैलेंज? जब ईमानदार इस बात को जान जाए और अपनी वैल्यू समझ जाए और ये ईमान रखे कि मैं बड़ा कीमती हूं, और ये यकीन रखे कि मैं खुदा के हाथों में हूं, और उसका ईमान हो कि मेरी तस्वीर खुदा के हाथों की हथेलियों में है, फिर पलूस की तरह, वो भी हमारी तरह इंसान था, बल्कि वो तो पहले खिलाफ ही था चर्च के, मसीहों के, और यीशु ने यहां तक भी उसे कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है, तो फिर भी वो क्या कहता है, मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता, क्या काल, क्या नंगापन है, हाल की चीजें, इस्तकबाल की चीजें, फरिश्ते? नो, बल्कि यहां तक कहता है कि मौत भी मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जब आप जान जाएं, नहीं जानेंगे, यकीन नहीं होगा आपको कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, तो फिर हम छोटी छोटी चीजों पर खुदा को क्या करते हैं, उसकी मोहब्बत से जुदा हो जाते हैं, बाज़ खुदा को छोड़ जाते हैं, और ये जानते नहीं, यकीन नहीं कि हम उसके हाथ के थैले। आप यकीन करें और जानें और ईमान रखें कि खुदा हर वक्त आपको देखता है। हालेलुया, हर वक्त खुदा आपकी फिक्र करता है। खुदा ने आपकी तस्वीर हाथ की हथेलियों पर रखी हुई है। वो आपको प्यार करता है, वो आपको मोहब्बत करता है, वो आपकी फिक्र करता है। तब क्या होगा, जब ये यकीन हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे, लाइफ से मुतमिन होंगे, क्योंकि खुदा
हमारी फिक्र करता है और वो हमें संभालता और वो हमें हरगिज भूलता नहीं। कभी कभी हम कहते हैं या शैतान हमारे जहन में डाल देता है कि खुदा तुझको भूल गया है। छोटी सी तकलीफ आ जाए शैतान क्या कहेगा कानों में कि खुदा तुझे भूल गया है। छोटी सी मुसीबत आ जाए तो शैतान क्या कहेगा खुदा तुझे भूल गया है। कोई प्रॉब्लम आ जाए खुदा तुझे भूल गया है। कोई नेच आ जाए खुदा तुझे भूल गया है। खांसी आ जाए खुदा तुझे भूल गया है। तोप लग गई है खुदा तुझे भूल गया है। ठंड लग गई है खुदा तुझे भूल गया है। लेकिन मैं कहता हूं खुदा आपको हर गिज नहीं भूलता है। चाहे माँ बाप भूल जाए तो भूल जाए, रिश्तेदार भूल जाए तो भूल जाए, दोस्त भूल जाए तो भूल जाए, खुदा आपको हर गिज नहीं भूलता, क्योंकि उसने आपकी तस्वीर अपने हाथ की हथेलियों पर खोद रखी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरे पीछे दुआ करें। ऐ आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, हम तेरी निगाह में कीमती हैं, क्योंकि तूने हमारी तस्वीर अपने हाथ की हथेलियों पर खोद रखी है। तू हर रोज हमें देखता है, हर रोज हमारी फिक्र करता है, हर रोज हमें संभालता है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमारी तस्वीर में यीशु मसीह के लहू का रंग भर दिया है। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के लहू का रंग भर दिया है। ऐ खुदावन हम ईमान लाते हैं कि तू हमें हरगिज नहीं भूलता। चाहे दुनिया भूल जाए, रिश्ते भूल जाएं, हमारे दोस्त भूल जाएं, यहाँ तक माँ बाप भी भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन तू हमें हरगिज नहीं भूलता। तूने अपने हाथों से बनाया है और तेरे हाथों के प्रिंट्स हमारी जिंदगी और हमारी रूह पर हैं। हम तेरे हैं, हम तेरी मलकियत हैं और तू हमारा है। हम तेरे फर्जंद हैं। हमें फजल दे कि हम इस पर यकीन करें, ईमान लाएं, तेरे पीछे चलते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। उसके पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद आपको कभी नहीं भूलता और कभी नहीं भूलेगा। उसके हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि आप कभी हाथों में हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।